हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा बैग कलेक्शन। सो मेरे पास है 26 बैग टोटल। सबसे पहले मेरे पास ये टोट बैग, ये है शिनचैन वाला टोट बैग जिसको मेरी मॉम झोला बैग बोलती हैं। सो ये मैंने लिया था एक लोकल स्टोर से, वहाँ पे मेरे को ये पड़ा था ₹500 का, और मैंने इसके साथ एक और बैग लिया था। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला बैग, आप इसको क्रॉस बॉडी भी कर सकते हो। ये मेरा एथनिक बैग है, ये जस्ट मैंने ले लिया था क्योंकि मेरे को ये सुंदर लग रहा था एंड आई वाज लाइक मेरे पास कोई भी एथनिक बैग नहीं था उस टाइम पे। दिस इज़ हाउ इट लुक्स क्रॉस बॉडी। नेक्स्ट मेरे पास ये सिलेंड्रिकल बैग, ये मैंने पैंटालून से लिया था ₹1200 में। ये मैं काफ़ी जगह लेके जा चुकी हूँ। इसमें गोल्डन वाला तो है ही, प्लस इसके अंदर एक स्ट्रैप भी है जिसके लिए आप क्रॉस बॉडी बैग बना लो। एंड आई लाइक दिस बैग अलॉट। दिस इज़ लाइक द बेसिक बैग। नेक्स्ट मेरे पास ये जूट बैग, ये मैंने H&M से लिया है ₹1500 का। ये ₹1750 का था। इसके साथ एक ये स्ट्रैप भी है जिससे आप क्रॉस बॉडी बैग ले बना लो। ये मैंने अभी तक कहीं पे भी यूज़ नहीं करा, बट आई गेस ये आपके वैसे बैग्स में से है जो हर ड्रेस पे चला जाता है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड आई वॉज जस्ट टोटली लविंग समथिंग अबाउट दिस। This is how it looks cross body and I guess it's very cool. Moving on to the next one, ये आप देखना मेरी कलेक्शन में आधे से ज़्यादा बैग इसलिए होंगे क्योंकि वो क्यूट है। इसका और कोई रोल नहीं है, ये बस एक बहुत ही क्यूट बैग लगा मेरे को। ये मैंने मॉल से लिया था, इसकी स्टोरेज भी अच्छी है ₹500 में। इफ़ यू लिव इन दिल्ली आई बॉट इट फ्रॉम पैंटालून। इसकी रेनबो स्ट्रैप्स है। सो गाइज, आप देखना कि आधे बैग मेरे कलेक्शन में सिर्फ इसलिए क्योंकि वो क्यूट है और आधे क्योंकि वो बनी है। सी हेलो, मेरा नाम लिया किसी ने। सी जस्ट बिकॉज ये बनी है या वो क्यूट होगा तो बैग मेरे पास है। तो इसका स्टोरेज वगैरह कुछ ऐसा खास नहीं है, और ये वाला बैग मैंने ₹500 में लिया एक लोकल शॉप से, बट बिकॉज इट वॉज़ वेरी क्यूट तो मैंने इसको कैरी करा। इसकी ऐसी स्ट्रैप है और मैं इसको बाहर भी लेके जा चुकी हूँ, तो मैं सिर्फ इनको ख़रीद के रखती नहीं हूँ, आई डू टेक देम आउट विद मी। बाय बाय। वेल, नेक्स्ट है मेरा एक और झोला बैग। ही मैंने सारे बैग्स के साथ रखा हुआ था इसलिए थोड़ा ऐसा हो गया है, इसको आयरन की ज़रूरत है। ये मैंने लिया था पैंटालून से ₹800। इस पर लिखा हुआ इटर्नल ग्रोथ, और ये काफ़ी रफ़ टफ़ बैग है तो इसमें आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज़ दिस, अगेन इट्स क्यूट। ये मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम विंची चू से लिया है। ये मेरे को ₹700 में मिला था, ₹750 का था, मेरे को ₹700 में मिला, और मैंने इसको अभी तक कहीं पे यूज़ नहीं करा है, बट इसका सॉफ्ट फर वाला बैग है एंड आई टोटली लव इट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन है मेरा ये वॉलेट। ये एंड का वॉलेट है और ये ₹1700 का है, और इसमें भी जो नॉर्मल वॉलेट है बिल्कुल वैसा ही है, बट सिंस आई एम शोइंग ऑल ऑफ माई कलेक्शन सो आई शोड यू दिस टू। And now moving on to the next one is this. I told you either it would be bunny, cute या सच में जो basic bags चाहिए ही होते हैं। तो ये था bunny, ये मेरी mom लेके आई थी ₹450 का shop से, तो उन्होंने मेरे को photo भेजी थी and oh what is this? ये bag इसके साथ free नहीं मिला था guys। ये bag मैंने चुनमुन से लिया था। आप बोलोगे थोड़ा expensive है, ये ₹500 में लिया, but it was cute और ये हाँ कुछ काम का नहीं है, but इसमें एटलीस्ट मैं अपने पैसे और अपना हैंकी रख सकती हूँ। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज़ अगैन बनी प्रिंट। तो ये मेरा टोट बैग है, यही वाला टोट बैग मैंने शिनचैन वाले के साथ लिया था लोकल शॉप से, और इन दोनों की ही स्टोरेज बहुत अच्छी है और ये मैंने बहुत सारी जगह पे ट्रैवलिंग में यूज़ करा है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन इज़ दिस। ये मेरा काफ़ी एक्सपेंसिव क्लच है, ये डेजी डिक्सन बाय लंडन का क्लच है। येस, तो इसके अंदर एक आपको ब्यूटीफुल सी सिल्वर स्ट्रैप भी मिलेगी जिससे आप अपने बैग को क्रॉस बॉडी बैग बना सकते हो। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और ये मैंने उन दिनों के लिए लिया था, यू नो व्हेन यू वेयर
दिस बॉडीकॉन ब्लैक ड्रेस विद शिमरी सिल्वर हील्स एंड द क्लच. सो ये आई गेस एक बेसिक बैग मैं इसे बोलती हूँ जो हर लड़की को चाहिए होगा, ओवर साइज टी पेज वाइड लेग जीन्स के साथ. इसके साथ एक स्ट्रैप भी आती है, मैंने पैंटलून से 1200 रुपीज़ में लिया है. सो दिस इज़ माई बेसिक बैग. और ऑल्सो गाइज मेरा स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्ट चल रहा है, तो दिस इज़ माई टी शर्ट विद माई नेम ऑन इट. सो वेल लेट्स गेट इनटू द वीडियो. नेक्स्ट है मेरा ये फास्ट ट्रैक वाला बैग. ये मैंने ऑनलाइन मिंत्रा से मंगाया था 800 रुपीज़ का. और ये बैग सच में इतना अच्छा है, मतलब इसमें आप इतना सारा सामान रख सकते हो, इतना हैवी सामान रख सकते हो. इट वाज वेरी गुड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये है मेरा कार्टन लंदन का बैग. ये वाइट वाला, तो इसके साथ से स्ट्रैप आई थी इसके अंदर क्रॉस बॉडी बनाने के लिए. ये मेरे को मेरे भाई ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट करा है. इट इज़ फॉर रुपीज़ 1400. यू नो यू शुड हैव अ ट्रांसपेरेंट बैग ऑल्सो बिकॉज इट्स ट्रेंडी. चलते हैं नेक्स्ट बैग की तरफ. ये मैंने लिया था H&M से फॉर रुपीज़ 1400. उस टाइम पे डिस्काउंट चल रहा था तो ये मेरे को डिस्काउंट पे 1400 का मिला. फर वाला बेसिक क्रॉस बॉडी बैग. नेक्स्ट इज माय दिस. ये मेरा सबसे बड़ा झोला है. ये मेरी मॉम ने ख़रीदा था और ये 450 में ख़रीदा. तो मेरे को कभी भी पास में जाना होता है फ्रूट्स और अपना सारा सामान लेने में यही लेके जाती हूँ. एंड आई लाइक इट. इट्स पिंक, इट्स बिग, इट्स ईजी टू कैरी. इसमें आपका सारा सामान आ जाता है. सो आई लाइक माई दिस बिग बड़ा झूला. नाउ नेक्स्ट इज दिस. ये बस एक मेरा उदयपुर ट्रिप पे मैं गई थी उसका सुविनियर है, क्योंकि मेरे को वहाँ से कुछ लेके आना था. एंड नाउ आपको पता ही होगा कि मेरे को बैग्स पसंद हैं, पर इतने सारे बैग हैं. तो ये मैंने 700 रुपीज़ में लिया. आपको देखो बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ेगी. उन्होंने 1500 से स्टार्ट करा था, तो ट्रैवलर्स के लिए वैसे भी प्राइस बहुत बढ़ा देते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज दिस माई क्यूट लिटल शॉन द शीप बैग. इसकी भी स्टोरेज इतनी अच्छी नहीं है, बट इट्स क्यूट. और ये मैंने लिया था रुपीज़ 400 में फ्रॉम अ लोकल स्टोर. सो दिस इज़ माई क्यूट लिटल बैग. और मैं इसको भी बाहर लेके जा चुकी हूँ. बाय बाय. बट यू नीड टू स्टे टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड. फिर है मेरे नेक्स्ट बेसिक बैग. ये मैंने मिनीसो से लिया था रुपीज़ 450 का. आई गेस दिस, मेरे पास कुछ बैग्स है जिनकी कैटेगरी है बेसिक बैग, जो हर कपड़े हर आउटफिट पे चले जाते हैं. एंड अ गर्ल मस्ट हैव. नेक्स्ट इज दिस. ये बैग मेरी मॉम ने लिया था 550 रुपीज़ में एक लोकल स्टोर से, बिकॉज मेरे मॉम के अकॉर्डिंग सबके पास एक वाइट बैग ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज शी इज़ लाइक कि वाइट तो सबके साथ चला जाएगा. तो ये है मेरा वाइट क्यूट, नॉट सो क्यूट बट बेसिक बैग. नेक्स्ट इज़ दिस. ये मेरा एक्सपेंसिव बैग है, सबसे एक्सपेंसिव बैग सत्यपॉल का. इसकी स्टोरेज भी अच्छी है एंड इट्स क्लासिक. सो आप मुझे कॉमेंट डाउन करके बताओ कि इसका कितना प्राइस होगा. इसका प्राइस मैं रिवील नहीं कर रही हूँ. एंड हू सो एवर गेस इट राइज, उसके लिए कुछ बिग सरप्राइज आ रहा है. हिंट इज़ रिलेटेड टू दिस वीडियो ओनली. सो कॉमेंट डाउन बिलो. नेक्स्ट इज़ दिस. मेरा बास्केटबॉल बैग, मेरा क्यूट स्माइली बास्केटबॉल बैग. ये मैंने फॉर एवर 21 से लिया है 1375 रुपीज़ का. और ये इसीलिए क्योंकि मेरे को ना ड्रामेटिक चीज़ें बहुत पसंद आती है. आई लाइक ड्रामा इन माई लाइफ, तो इसीलिए मैंने बैग लिया. इसकी स्टोरी भी अच्छी है और मैं इसको भी बाहर लेके जा चुकी हूँ. माई क्यूट लिटल स्माइली बास्केटबॉल. नेक्स्ट इज दिस बैग. ये आप आज कहीं पे भी ले लो, आपको 1200 से कम कोई नहीं बोलेगा. बट ये मैंने 700 रुपीज़ में लिया अपने लोकल मार्केट से. ऑब्वियसली मेरी मॉम भी मेरे साथ थी. और ये काफ़ी अच्छा है. दो ही इसका ऐसा थोड़ा ट्रेडिशनल लुक है, बट ये वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी बहुत अच्छा जाता है एंड इट्स वेरी सॉलिड. चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. ये मेरे छोटे बैग्स है, पॉर्क्यूपाइन वाला बैग. और ये मेरी मम्मा लेके आई थी, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची इसको बेच रही थी, तो माय मॉम वाज लाइक आई शुड बाय इट. तो बैग कलेक्शन होता तो मैंने दिखाया. लास्टली मेरा ये सेम रीज़न की वजह से 100 रुपीज़ का झोला मैंने एक छोटा सा लड़का बेचा था उससे लिया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट. लव यू ऑल. बाय बाय.